मोदी की कूटनीति यानी विश्व शांति की गारंटी, ये बात ऐसी ही नहीं कही जा रही है। आज संकट दुनिया के किसी भी कोने में हो, दुनिया को समाधान हिंदुस्तान में ही नजर आता है। पुतिन से लेकर बाइडेन तक और मैक्रों से लेकर ज़ेलेंस्की को सिर्फ और सिर्फ भारत पर ही भरोसा है, जो इस मुश्किल वक्त में बारूद की आवाज को बातचीत में बदल सकता है। युद्ध के वक्त अब दुनिया को बुद्ध और बुद्ध का देश याद आ रहा है, इसलिए अब देखे दुनिया पर संकट विकट, सिर्फ इंडिया पथ प्रदर्शक। वर्ल्ड ऑर्डर का मानचित्र, भारतवर्ष दुनिया का मित्र। सत्ताईस अक्टूबर व्हाइट हाउस वॉशिंगटन डीसी। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने पहली बार दुनिया के हर ताकतवर देश के खिलाफ अमेरिका की नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी यानी एनडीएस सार्वजनिक तौर पर जारी की। इस रिपोर्ट में अमेरिका ने चीन और रूस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताया, लेकिन इसी रिपोर्ट में अमेरिका ने भारत को दुनिया का बहुत मजबूत देश बताते हुए रक्षा सहयोग बढ़ाने की रणनीति बनाई। अमेरिकी नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी में अमेरिका ने भारतवर्ष को जिम्मेदार और भरोसेमंद देश माना है। नई एनडीएस में अमेरिका ने भारत के साथ समुद्री और जमीनी तौर पर रक्षा क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने की रणनीति बनाई है। अमेरिका की नई नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी में यह भी लिखा है कि जरूरत पड़ी तो अमेरिका चीन की ओर से भारत की सीमा पर की जा रही साजिशों के खिलाफ भारत का साथ देगा। नई नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी बताती है कि अमेरिका भारत को 21वीं सदी का सबसे जिम्मेदार और मजबूत देश मानता है। दुनिया पर संकट विकट, सिर्फ इंडिया पथ प्रदर्शक। भारत आज संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है। आज भारत को पता है कहां जाना है। दुनिया में जंग का दौर, भारत शांति का सिरमौर। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा, इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। इस संघर्ष के ह्यूमैनिटेरियन इंपैक्ट से भारत बहुत ही चिंतित है। अमेरिका अपनी नई नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी में भारत को जिम्मेदार और मजबूत देश मानता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी भारत में भविष्य दिखता है, वो भी उस वक्त जब पुतिन को लगता है कि पश्चिमी देश दुनिया पर हावी होने की उम्मीद में एक खतरनाक और खूनी खेल खेल रहे हैं। भारतवर्ष की नई ताकत पर दुनिया भरोसा करती है, इसलिए रूस से लेकर अमेरिका तक चाहते हैं कि विश्व के हर बड़े विवाद का निपटारा भारत जैसे भरोसेमंद देश के ही हाथों। शुद्ध शक्ति से योग तक भारतवर्ष आज हर मोर्चे पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। जो भारत कल तक दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार था, वो आज दुनिया का बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बन रहा है। भारत से रक्षा उत्पादों का निर्यात बीते 5 साल में 334% बढ़ गया है। आज भारत दुनिया के 75 से ज्यादा देशों को हथियार और डिफेंस के सामान का एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे 6 देशों ने भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस में रुचि दिखाई है। मलेशिया तेजस खरीदने की तैयारी में है। भारत से मिसाइल, रॉकेट और गोला बारूद के लिए आर्मेनिया ने बड़ी डील की है। भारत और आर्मेनिया के बीच ये डील करीब 2,000 करोड़ रुपए में तय हुई है। सबसे खास बात ये कि इस डील के तहत आर्मेनिया भारतीय पिनाका रॉकेट सिस्टम पाने वाला पहला विदेशी ग्राहक होगा। यानी आज हिंदुस्तान युद्ध जीत भी सकता है और विश्व युद्ध रुकवा भी सकता है। ये नया भारतवर्ष है जो शांति की भी बात करता है, हथियार खरीदता भी है और बेचता भी है।
भारत पर विश्व का भरोसा बीते 10 सालों में बढ़ा है। ये मुमकिन हुआ है भारतवर्ष की बदली सोच से, असंभव फैसलों की ताकत से, हर चुनौती से निपटने की काबिलियत से, क्योंकि हिंदुस्तान अब आपदा को अवसर में बदलने का हुनर सीख गया है।